नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धौलाधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 3,000 से अधिक पद और 7,000 हैं खाली। तो ये 3,000 पद जो हैं कौन कौन से भरे जाएंगे, तो इसकी पूरी हम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक जो है हर नोटिफिकेशन जो है हमारी सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज की पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 3,034 पद, 7,000 हैं खाली, 2,040 जो हैं तकनीकी कर्मचारी और 575 JOA व 270 जो है कनिष्ठ अभियंता पद मिलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पदों को भरने के लिए प्रदान की स्वीकृति। तो हम पूरी डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में 3,034 नौकरियों का पिटारा खुला है। इसके तहत विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों के 2,040 जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, IT के 575, कनिष्ठ अभियंता के 270, जूनियर ऑफिस 125 और लो ऑफिसर के 3 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पदों के बड़े स्तर पर खाली रहने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है, जिस पर शीघ्र अमल शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि बिजली बोर्ड में इस समय विभिन्न श्रेणियों के करीब 7,000 खाली पड़े हैं जो पद। इसके देखते हुए राज्य सरकार ने पहले युक्तिकरण का फैसला भी लिया था, साथ ही उत्तराखंड की तर्ज पर निचले स्तर पर कर्मचारियों की संख्या को कम करने की बात कही गई थी। इस बात का कर्मचारियों ने विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने नए पदों को भरने का निर्णय लिया है। बिजली बोर्ड में इस समय खाली पदों की संख्या अधिक होने के कारण ठेके और आउटसोर्स पर काम दिया गया है, इसके चलते कामकाज भी प्रभावित हुए हैं तथा भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई। क्या है बोर्ड की मौजूदा स्थिति? हिमाचल प्रदेश में जो है बिजली बोर्ड लिमिटेड में अब इस टाइम जो क्या स्थिति है, तो इसकी भी हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। समय विभिन्न श्रेणियों के करीब 7,000 पद खाली हैं। इनमें से सबसे अधिक 6,000 पद तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली पड़े हैं। आंकड़ों की बात करें तो बिजली बोर्ड में वर्ष 1985 में 6,00,000 विद्युत उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर करीब 20,00,000 हो गई है। इसी तरह जब बिजली बोर्ड बना था तो उस समय कर्मचारियों की संख्या करीब 43,000 थी, जो अब घटकर 19,000 रह गई है। बोर्ड में इस समय युवा स्टाफ की बहुत कमी है, यानी अधिकांश कर्मचारियों की औसतन आयु जो है 40 से 50 साल के बीच है। इससे काम करने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ने वाले कर्मचारी कम रह गए हैं। अधिक आयु वर्ग में कर्मचारियों के मंजूरन बिजली के खंभों पर चढ़ने से कई कर्मचारी हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। बिजली बोर्ड लिमिटेड में गत 2 दशकों के दौरान करीब जो है 8,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है। तो ये अपडेट जो है इन्होंने निकाली है, 3,034 पद जो हैं भरे जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया है। तो इसमें जो है JOA के जो है पद, और मैंने आपको 2-3 जो है और बताए हैं, तो उसकी पूरी जानकारी, JEE के पद भी जो है इसमें भरे जाएंगे। तो और मैंने आपको जो है बिजली बोर्ड में क्या स्थिति चल रही है, कितने युवाएं जो हैं अब इस टाइम जो हैं बिजली बोर्ड विभाग में हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इस अपडेट के बारे में पता लग सके कि 3,034 पद जो हैं अब भरे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने मंजूरी दे दी गई है। तो जल्द ही इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी भी हम आपको जानकारी बताएंगे जब एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।